पैसे मांगने को लेकर हुए विवाद में बाप और मां ने ही की थी शादी के बाद मायके में रह रही बेटी की हत्या। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई टोकरी को किया बरामद। पति पत्नी को भेजा जेल। पुलिस को गुमराह करने के लिए करवाया था मुकदमा दर्ज। मोहल्ला भारद्वाजी में मायके में रह रही महिला की चाकू से गोदकर हत्या। घटना चौक कोतवाली के भारद्वाजी क्षेत्र की घटना। ये जनपद शाहजहांपुर में थाना कोतवाली क्षेत्र में 14 तारीख की रात्रि में एक अज्ञात महिला की गला काटकर हत्या की सूचना प्राप्त हुई, जिसकी सूचना प्राप्त होने के उपरांत पुलिस अधीक्षक महोदय, मैं और क्षेत्र अधिकारी और पुलिस की अन्य टीम मौके पर पहुंची तो ये पाया गया एक आपूर्ति गुप्ता नाम की महिला, जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष थी, उसकी जो है चाकू से गला काटकर हत्या कर दी गई है। उस घटना पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया और घटना के अनावरण के लिए लगातार प्रयास किए गए। 24 घंटे के अंदर ही पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए इस घटना में घटना प्रयुक्त आला कतल चाकू बरामद किया है और घटना की जानकारी करने पर यह आया कि जो मृतका उसके पिता जो कि संजय गुप्ता हैं, ये थाने के पुराने हिस्ट्री शीटर भी रहे हैं, इनके ऊपर 16 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनके द्वारा जो है अपनी लड़की की किसी बात को लेकर हत्या की गई। बजा जाने प्रयास किया गया तो आया कि एक अंगूठी बेची गई थी जिसके पैसे को लेन देन पीछे पिता और पुत्री में झगड़ा हुआ। दिन में झगड़ा शांत हो गया, रात्रि में पिता ने सोते समय पुत्री पर के गले पर चाकू से वार किया और उसकी मौके पर हत्या कर दी गई। उसकी मदर द्वारा चाकू को धुल दिया गया पानी से और कपड़े हटा दिए गए ताकि उसकी घटना की जानकारी किसी को ना हो पाए। पुलिस द्वारा घटना प्रयुक्त चाकू बरामद कर ली गई है और सारी घटना का अनावरण कर दिया गया है। इसमें इसकी माता है वंदना गुप्ता और पिता संजय गुप्ता, ये लोग जेल जा रहे हैं और जो उसकी बच्ची है वो उसका चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश करके जो निर्देश होगा उस अनुसार उसका अभिभावक नियुक्त किया जाएगा।